आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जी फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने जबरदस्त अपडेट कर दिया है। यदि आप पीएफ का पैसा विथड्रॉल करते हैं ना, तो अब आपकी जो समस्या है उसको जड़ से ही ईपीएफओ ने खत्म कर दिया है। अब आपको लंबे लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा क्लेम सेटलमेंट होने का। जी फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ईपीएफओ ने किन किन क्लेम्स के मेथड्स में बदलाव किया है और अब आपको कितने दिनों में पैसा मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रेस रिलीज ओपन कर लिया है जो कि ईपीएफओ ने 13 मई को जारी किया है। देखिए, ये जारी किया गया था पीआईबी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है, जो कि 6:58 PM पे जारी किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें ही बताया गया है, देखिए ईपीएफओ ने अपनी लिमिट्स को इनहेंस कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, लिमिट्स को भी बढ़ाया है और उसके साथ ही साथ ऑटो मोड क्लेम सेटलमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन, मैरिज एंड हाउसिंग पे यहाँ पे बताया गया है कि अब आप इन पारा से पैसा निकालते हैं तो आपका पैसा ऑटो मोड के तहत सेटल हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि इससे पहले ईपीएफओ ने अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी करके बताया था कि 68J की लिमिट को इनहेंस कर दिया था। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी जो लिमिट है 50,000 से 1,00,000 कर दी गई थी। अब यहाँ पे जो बताया गया 68J क्लेम, देखिए 68J क्लेम, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो जब आप पैसे निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देखिए जब आप यूनिफाइड पोर्टल पे एडवांस क्लेम करते हैं तो यहाँ पे इलनेस पारा होता है। इलनेस पारा आप सेलेक्ट करते हैं, बीमारी वाला, तो ये आपका 68J पारा है, 68J क्लेम कहलाता है। और इसके तहत अगर आप पैसे निकालते हैं तो ये भी 1,00,000 तक आपका ऑटो क्लेम के माध्यम से सेटल हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं कि प्रेस रिलीज जारी किया है और प्रेस रिलीज में बताया है कि अब एजुकेशन से पैसा निकाल रहे हैं, ये मैरिज से निकाल रहे हैं या फिर हाउसिंग से निकाल रहे हैं, इनसे भी अगर आप पैसा निकालते हैं, देखिए इनका भी पारा मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया है, हाउसिंग का मतलब ये परचेज आप हाउस का ले लीजिए, ये हाउसिंग के पारा है, पारा को सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड पैसा निकालते हैं, या फिर मैरिज का भी बताया गया था ना, वो हम देख लेते हैं। मैरिज का भी बताया गया था, मैरिज तो मैरिज वाला पारा ये वाला है, देखिए हायर एजुकेशन या फिर मैरिज, इससे अगर पैसा आप निकालते हैं तो ये भी अब ऑटो मोड में सेटल होगा। हालांकि देखिए, हाउसिंग के लिए तो अगर आपका 4-5 लाख रुपए पैसा है, आपके पीएफ में जमा है, तो आप इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर दोनों ही एक साथ निकाल सकते थे, तो 4-5 लाख रुपए एक साथ निकाल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में इसकी जो लिमिट है वो बताई जा रही है कि 1,00,000 ही है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट बताया गया 1,00,000, तो ये 1,00,000 तक जिसको पैसा निकालना है भैया, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन 1,00,000 से अगर ज्यादा पैसा निकालना है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले की तरह जैसा पैसा निकलता था ना, वैसे ही पैसा निकलेगा, आपका 10-15 दिन लग जाएगा। अब यहाँ पे टाइम की भी बात की गई है, देखिए यहाँ पे टाइम बताया गया है कि पहले आपका 10 दिन तक का टाइम लगता था, अब देखिए बताया गया है कि ये चेंज के बाद अगर पहले 10 दिन में पैसा सेटल होता था तो अब आपका 3-4 दिन में ही पैसा सेटल हो जाएगा, देखिए एडवांस के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है, तभी अब पैसे निकालते हैं, तो उनका क्लेम काफी दिनों तक पेंडिंग रहता है। हालांकि ईपीएफओ के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 दिन के लिए पेंडिंग होता था, लेकिन भैया काफी लोगों तो 15-15, 20-20 दिन तक पेंडिंग रहता है, तो ईपीएफओ को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि ईपीएफओ अगर बता रहा है कि अब 3-4 दिन में पैसा सेटल हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए। अब अगर अब आप अपना क्लेम करेंगे तो भैया एक बार नोटिस करना जरूर कि क्या आपका 3-4 दिन में पैसा सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो भैया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शो करना, एक्सपीरियंस जरूर बताना, जिससे कि और भी ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए और भी ज्यादा लोगों को पता चल पाए। अब हालांकि ये जो प्रेस रिलीज है इंग्लिश में भी है और हिंदी में, देखिए हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी लैंग्वेज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तेलुगु में पढ़ सकते हैं, उर्दू में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे गुजराती में, तमिल में पढ़ सकते हैं। देखिए तो ये इसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इसे अपने मनपसंद लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। ईपीएफओ का यह नया अपडेट कैसा लगा आपको, आप अपना बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी सहायता हो सकता है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।